पाकिस्तान के टांगे नहीं खींचने चाहिए। छोटू और इसके 12 साथी जो अनकंडीशनली सरेंडर कर चुके हैं पाक फौज के सामने, और इस वक्त ये फौज की तहरीर में है। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उसके ऊपर पूरी तरह अमल करना पड़ेगा। जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं सबको सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो तीन इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड है, कराची के अंदर पुलिस के ऊपर हमला हुआ जिसमें 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसके अलावा पंजाब के अंदर राजनपुर के इलाके में कच्चा एरियाज जो हैं, जहां फौज ने 3-4 रोज पहले चार्ज संभाला था उस छोटू गैंग के खिलाफ, आज उस छोटू ने सरेंडर कर दिया और 24 जो पुलिस वाले थे उनको भी बाजियाब करवा लिया गया। इसका मुस्तकबिल क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्शंस हैं ये कहां तक लीड करेंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम मेनली इस प्रोग्राम में आज फोकस रखेंगे, वो होगा आर्मी चीफ का गुज़श्ता रोज़ का बयान, जहां उन्होंने कहा था कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बगैर उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में। ज़र्ब अर्ज की जो कामयाबियाँ हैं उसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और फौज जो है ऑल मीनिंगफुल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करेगी इस काम के लिए। तो ये हमारा आज के प्रोग्राम का ओवरऑल फोकस है। हमारे साथ जो शुरका है आज के प्रोग्राम में, मान कायरा साहब हैं और मोहम्मद जुबैर साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से। तीनों को वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा टेलीफोन लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल आसिम बाजवा, DGISPR। जनरल साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आज आपने ऐलान किया कि छोटू गैंग ने सरेंडर कर दिया और पुलिस वाले जो हैं वो भी बाजियाब करवा लिए गए, लेकिन उसके साथ आपने दो चीज़ें और कहीं कि आप तफ्तीश करेंगे तमाम फैसिलिटेटर को जानने के लिए, और नो गो एरिया कहीं भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये दो चीज़ों की वजाहत चाहता हूँ। फैसिलिटेटर्स के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो कौन करेगा? थैंक यू नदीम। मैंने जो फैसिलिटेटर्स का वर्ड तो मैंने यूज नहीं किया, मैंने ये बोला कि ये जो छोटू है इसको यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, अभी कहीं लेकर जाएंगे, और जो हसास इदारे हैं उनकी तहवील में इनकी इंटेरोगेशन होगी और कंप्लीट इंटेरोगेशन होगी। आगे वो इंटेरोगेशन किस तरफ लीड करती है, क्या नाम पता चलते हैं, मजीद तफसीलात पता चलती हैं, उसका अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि फिर उस इंटेरोगेशन की बेसिस के ऊपर मजीद आगे बढ़े। जो सहूलतकार सामने आएंगे, क्योंकि ये पुलिस के इन्फॉर्मर थे और तवील अरसा वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के साथ ये सिक्योरिटी ड्यूटीज पे भी मामूर रहे ये साहब जो है, फिर ये छोटू गैंग बना लिया, ये वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं उन्हीं से मुख्तलिफ लोग जो थे, डकैत जो ग्रुप थे, इन्होंने इकट्ठा होकर वहाँ एका करके इस इलाके के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। तो आपको बहुत से फैसिलिटेटर्स मिलेंगे, आपको उनके खिलाफ एक्ट तो करना पड़ेगा जी। जो भी फैसिलिटेटर्स मिलेंगे आगे, का पता चलेगा, जो भी टेररिज्म में किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे होंगे डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा। आपको पता है 5-6 साल से इन्होंने इस इलाके को यरगमाल बनाया हुआ था, इर्द गिर्द के जितने इलाके थे उनकी जिंदगी इन्होंने हराम की हुई थी। उसके अलावा ये एक स्टेजिंग कैंप बना हुआ था फॉर टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अभी अगर 6 हमारे पुलिस के भाई शहीद हुए हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, तो इस तरह तो नहीं जाने देंगे। इंटेरोगेशन पूरी होगी, जो फैसिलिटेटर होगा, जिसने इसको अबेट किया होगा, इनकी मदद की होगी, सहूलतकार बने होंगे, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। आपने कहा कि पूरे मुल्क में कहीं भी नो गो एरिया हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई अगला हद फैज इनमें कि कहां कार्रवाई का इरादा रखते हैं, कहां नो गो एरिया ऐसे पाए जाते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदर देन ट्राइबल एरियाज? जी आपको पता है कुछ दिन पहले भी ये बात हुई थी और इस तरह की डिबेट भी हुई, किसी ने कहा नो गो एरियाज नहीं है, किसी ने कहा नो गो एरियाज हैं। तो नो गो एरियाज थे तो ये यहाँ तक नौबत पहुंची और यहाँ पे कच्चे में जाना पड़ा और ये ऑपरेशन करना पड़ा, इसमें कुर्बानियां भी दी पुलिस ने और बड़ा अच्छा काम किया सबने मिलके। इसके अलावा भी नो गो एरियाज कुछ जगहों पे हैं, उनके लिए जाएंगे। नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि डेफिनेटली मेरी तरह आप भी नहीं चाहते कि वहां पर अगर कोई है तो वो वहां से भाग जाए।
इसलिए वो जब काम शुरू होगा इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है आपका भी और आर्मी चीफ के बिफोर यस्टरडे एक बयान था, उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया से हट के जो बड़े पैमाने के ऊपर लार्ज स्केल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाए और ये दहशत गर्द इनके फैसिलिटेटर्स इनके सहूलतकार उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो कंट्रोल है उसको मजबूत किया जाए। ये दो रोज पहले का बयान था, आप ही ने इसको ट्वीट के जरिए जारी किया था। तो इसका मतलब है कि ये जो दो चीजें हैं, दो एक्शन हैं, एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और एक नो गो एरियाज का खात्मा मुल्क के बाकी हिस्सों में, उसकी तरफ आप तेजी से आगे बढ़ने वाले। जी, मैंने कॉम्बिंग ऑपरेशन का वर्ड यूज किया था, ये पहली दफा ये वर्ड यूज हुआ। आपको पता है हम फाटा में काइनेटिक ऑपरेशन कर रहे थे, उसके बाद हम अर्बन सेंटर्स में चले गए जहां जहां पे इनके नेक्सस थे, जो स्लीपर सेल्स थे उनके लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे चले गए। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मतलब ये था कि जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, हमने कंफर्म कर लिया है, तो इंटेलिजेंस वाले किसी फोर्स को साथ लेके जाते हैं और वहां से कोई भी टेररिस्ट या उसका फैसिलिटेटर या उनका कोई किसी किस्म का हथियारों का जखीरा उसको जाके रेड करते हैं और रिकवर करते हैं। अभी उससे बियॉन्ड आगे चले गए हैं, हम कह रहे हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे और ये लार्ज स्केल होंगे। इसका मतलब है एक लार्ज स्केल फोर्स होगी, वो तमाम उन इलाकों में जहां जहां पे मजीद कोई ये स्लीपर सेल बना सकते हैं, तो ये फोर्स जाएगी उस इलाके में, फैल जाएगी, लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगी, वॉर नो गो एरियाज में भी जाएगी और कुछ ऐसे इलाके जो इनएक्सेसिबल हैं जहां पुलिस नहीं जा सकती या नहीं जाती किसी वजह से भी, ये उस इलाके में फोर्स जाएगी और ये पुलिस वगैरह का एक्सेस और रीच भी बढ़ाएगी। तो ये एक स्टेप है हायर देन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इसके साथ इंशाल्लाह पूरे मुल्क को क्लियर करेंगे और ये तमाम नो गो एरियाज खत्म करेंगे। और ये एक डिटर्मिनेशन है बहुत क्लियर, आर्मी चीफ ने भी कहा है और आज शाम की स्टेटमेंट में भी मैंने इसको रिपीट किया। कॉम्बिंग ऑपरेशन आमतौर पर, जनरल साहब इसकी थोड़ी सी वजाहत और हो जाए, आमतौर पर इसको अगर मैं बहुत ही सादा सी जबान में कह सकूं कि आपको छान फटक के उस इलाके को देखना पड़ेगा, कॉम करना पड़ेगा कि कौन छुप के बैठा हुआ है और ये किसी भी जगह हो सकता है। जैसे आज कराची में पुलिस वालों पर अटैक हुआ तो आपको अगर कुरंगी को कॉम करना है तो आप उसके लिए भी जाएंगे, अगर किसी और जगह पे ऐसी जरूरत है तो वहां पे भी जाएंगे। जी, असल में देखें कुरंगी तो एक सेटल्ड एरिया है, वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वहाँ भी जाना पड़ेगा, मैंने इसीलिए पहले बहुत क्लियर कहा कि पूरे मुल्क में जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों को ज़रूरत होगी और हमें महसूस होगा कि यहाँ पर काम पूरा नहीं हो रहा, उनको हेल्प की ज़रूरत है, हम डेफिनेटली जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनरल नासिम बाजवा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इन इश्यूज की वजह, आप इस पे अगर कमेंट करना चाहें कॉम्बिंग ऑपरेशन और यही वाला छोटू गैंग वाला। देखिए मलिक साहब, एक तो आज कराची में बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा अफसोसनाक सानहा है कि वहाँ पे हमारे सात पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, अपनी ड्यूटी में थे, कुछ पोलियो वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जो लोग थे उनको उनकी हिफाजत में थे और एक मोबाइल के ऊपर जो हमला हुआ। इसका मतलब है कि अभी कराची के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, रेंजर्स ने, इंटेलिजेंस वालों ने, पुलिस ने बड़ी मेहनत से काम की, बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने, बट इसके बावजूद वहाँ पे अभी उनके प्रेजेंस इतनी है कि वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये फिर एक तरह का री एमरजेंस है जिसको हमें तवक्को है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे बड़ी तकलीफ दे बात है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, ये भी सेटिस्फेक्शन की बात है, वहाँ पे भी हमारे छः जवान शहीद हुए, बड़ा तकलीफ हुई, लेकिन ये अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और अब ये ऑपरेशन वहाँ तक तो कंक्लूड हुआ। लेकिन जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि जी नो गो एरिया थे तो हम गए, यही बात नदीम साहब हम बार बार पिछले सात साल से, छः साल से कह रहे थे पंजाब गवर्नमेंट को, लेकिन एक डिनाइल मोड था, वो चीफ मिनिस्टर साहब हों या उनके ला मिनिस्टर हों या उनके बाकी जो जिम्मेदारान हैं, नंबर वन के जी पंजाब में ज़रूरत कोई नहीं है, पंजाब में हम खुद ही काफ़ी हैं, हमारी पॉलिटिकल, हमारी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और दूसरी बात कि पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं, ये बार बार कहा गया कोई नो गो एरिया नहीं है। आज आपको ये नो गो एरिया नहीं है तो क्या है? और अभी DGISPR बार बार कह रहे थे कि हमें और भी नो गो एरियाज में
जाना पड़ेगा और हम जाएंगे। शाह साहब से भी इस पे कमेंट ले लो जुबैर साहब, फिर आप कंक्लूड करिएगा इस चीज को। शाह साहब आप फरमाइए, कॉम्बिंग ऑपरेशन उन्होंने एक नई इस्तेमाल इस्तेमाल की, उन्होंने कहा पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जहां भी ऐसी सूरत हाल होगी हम जाएंगे, कॉम करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे और नो गो एरियाज कहीं नहीं रहने देंगे। मैं समझता हूं कि ये जो उनका फैसला है और अफवाज पाकिस्तान का फैसला है बिल्कुल दुरुस्त है और ये नेशनल एक्शन प्लान की रूह के मुताबिक है। अगर हमने दहशत गर्दों का सफाया करना है, हमें उनके सहूलतकारों को, वो इलाके जो उनकी सेंचुरीज बन जाते हैं, हमें उनका सफाया करना होगा। आज मैं अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बिल आखिर उन्होंने छोटू गैंग को सिरहरने में कायल कर लिया। और दूसरा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन फैमिलीज़ को जिनके एलीट फोर्स के जवान यरगबाल थे और बुरेहाव के घर जा रहे हैं। लेकिन एक बात का हमें एतराफ़ करना होगा कि छोटू गैंग कैसे बना, ये रातों रात तो नहीं बना, ये तो एक लंबी कहानी है और उस कहानी की वजूहात पर हमें जाना होगा कि ये लोग कहाँ से पैदा हुए, क्या ये पुलिस के सहूलतकार थे, क्या पुलिस के साथ इनके ताने बाने जुड़े हुए थे या नहीं थे, क्या पुलिस ऐसे लोगों को माजी में इस्तेमाल करती रही है और इस्तेमाल करने के बाद फिर उनसे मुनहरफ हो गए, इसलिए हैं। और आपने ये भी देखा कि जनरल बाजवा कह रहे थे कि ये 6 साल से ये छोटू गैंग वहाँ ऑपरेट कर रहा था, तो 6 साल हुकूमत किसकी थी पंजाब में, और हुकूमत गाफिल थी तो क्यों गाफिल थी। और आपने देखा कि ये इश्तराब कर रहे थे कि पंजाब में हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, आज वाकया सामने हो गया कि ज़रूरत थी तो अफवाज को बुलाया गया, और उनके बगैर शायद पुलिस अगर ख़ुद ऑपरेशन करती तो ज़्यादा लंबा भी होता और नुकसान ज़्यादा होते। अब अच्छा फैसला है, मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑपरेशन की ज़रूरत है और उनकी तरफ जाना होगा, क्योंकि ये बात तो वाजह हो गई ना कि ऐसे इलाके मौजूद हैं और वो इलाके मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मेरी गुजारिश होगी हुकूमत से कि नो गो एरियाज का खात्मा तावन करें और कॉम्बिंग ऑपरेशन। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ISPR चीफ की स्टेटमेंट अच्छी स्टेटमेंट है। एक तो उन्होंने ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि छोटू गैंग पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन जैसे कायरा साहब भी कह रहे थे कि ये एक शॉर्ट टर्म एक विक्ट्री, क्योंकि हमने कराची के हालात से देखा है या ट्राइबल एरियाज़ के हालात से देखा है पिछले 10 साल से 15 साल से, कि जिसको हम समझते हैं कि ये अल्टीमेट हमने सक्सेस अचीव कर ली है, उसके बाद जिस तरह आज कुरंगी सेटल्ड एरिया है और कराची में भरपूर एक्शन पिछले 1.5 साल से तो तकरीबन भरपूर एक्शन हो रहा है, उससे पहले भी होता रहा है, और बावजूद इसके कि किसी में इतना दमखम था कि वो अटैक करे पुलिस पर एंड गेट अवे विद इट, तो ये तो पूरे पाकिस्तान का एक सीरियस मसला है। और हमें ये इस चीज़ को, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ट्राइबल एरियाज हो, और हुकूमत पाकिस्तान जो है और पंजाब की हुकूमत को मैं कह सकते हैं, वैसे दो चीज़ें नहीं, आपको इससे एहसास हुआ कि एक तो ओवर द ईयर्स हमने इस इशू को बहुत निगलेक्ट किया है, सिविल साइड ने भी और मिलिट्री साइड ने भी, जो आज हम ये दिन देख रहे हैं। दूसरा, इन लोगों की वहाँ जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, रॉय जंट का भी इशू पिछले दिनों आया, कराची से कुछ लोग पकड़े गए, फिर ये आपका एक ग्रुप जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है अफगान बॉर्डर एरिया से, लेकिन उसके चेले चांटे आपके कराची से या साउथ पंजाब से पकड़े जाते हैं, तो आपका ये नेक्सस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई टोटली एग्री कि ओवर द ईयर्स ये जो भी, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि किसकी हुकूमत, किसकी मिलिट्री या PMLN की हुकूमत, जाहिर सी बात है इनको हमने अलाउ किया है ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स इनफैक्ट अलाउ किया, स्पेस देते चले गए, और वो सख्त एक्शन जो पहले इतना सख्त करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें अलाउ की, जिसकी वजह से आज जो एक्शन है वो उतना ही मुश्किल हो गया। बट आई थिंक एज अ नेशन, मेरा ख्याल है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, कायरा साहब कह रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं, ISPR चीफ ने सजेस्ट किया है कि हमें इसका भरपूर मुकाबला करना है, ये एक चीज़ है जिसको हम एक जो और कमजोरी है, शायद कायरा साहब आप उसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकें, हमारी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, हम कहीं पर भी फंसते हैं। यहाँ ऑपरेशन हम करने गए थे और मजाक उड़ाया जाता था, खुद राणा साहब हंसते थे, यार छोटू गैंग छोटा जाते वास्ते फौज में बुलाना, हमारे 24 पुलिस वाले अहलकार बेचारे वो वहाँ पे उनके कब्जे में आ गए, 6 शहीद हो गए पहले रोज ही, तो कैपेसिटी का इशू भी है। मलिक साहब ये जो डिनाइल मोड है ना, मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये बड़ा नामुनासिब है। हम जब कहते हैं तो सारा मुल्क हमारा है, मैं तो खुद पंजाब से हूँ,
जब मैं भी अपनी गवर्नमेंट में पिछली गवर्नमेंट में थे तो हम कहते थे जी पंजाब के इन इलाकों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, तो हमें लिटरली पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्त किस्म की रेजिस्टेंस आती थी कि जनाब भी हम पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, फलान करते हैं। और अभी भी जहाँ के फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनकी है, ये मैं इसलिए एतराज़ कर रहा हूँ कि कैपेसिटी इशू है। वो कहते हैं हमने अपनी पुलिस को ट्रेंड कर लिया, अच्छा है, CTD एक अच्छा दायरा बना, उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशन भी किए हैं, ये बात भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। और CTD सिंध में भी बना है, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, उनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन ये जो एक स्पेशल सूरत हाल है, इसको हैंडल करने के लिए हमारी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये कहते मतलब पंजाब गवर्नमेंट मुसलसल कहती है कि कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई नो गो एरिया नहीं है। और मैं आपको नदीम साहब बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ, ये मेरी बात नोट रखिए, आपको लाहौर के गिर्दो नवाज से भी कॉम्बिंग ऑपरेशन में गरीब खबरें मिलेंगी, लाहौर के गिर्दो नवाज से भी मिलेंगी। एक जो अफसोसनाक पहलू है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत कार्रवाइयाँ की और ये खानजादा साहब अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनकी कोशिशों से ये यूनिट खड़ा हुआ था, लेकिन लार्जली जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना था वो मावराए अदालत मारे गए। हमारे कानून का जो निज़ाम है वो हमारे अदलिया को कंधों पर बिठा के इस कौम ने बहाल करवाया, लेकिन अदलिया अपने आप को बहाल नहीं कर सकी, वो आज भी उनकी गुलामी या मगवी या उनके साथ भाई मैं एक कमेंट कर दूं, नहीं पास कर सकते। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि दोनों साइड पेश करने चाहिए कि एफर्ट्स भी 29 दहशतगर्द और जिसमें मलिक इसहाक बहुत बड़े दहशतगर्द थे, उनको उसी पुलिस और उसी हुकूमत के थ्रू एक्शन लेके ही मारा गया। सो देयर इज रिकॉग्नाइज, बट आपने एक जो बात की निशानदेही की है जिसका सवाल आपने कायरा साहब से पूछा था कि कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा इशू है जो हम सबको रिकॉग्नाइज। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पनामा पेपर जो हमारा मेन टॉपिक है और करप्शन का खात्मा जिसके ऊपर गुज़श्ता रोज ISPR ने ऑफिशियली एक हैंड आउट जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की, उसके ऊपर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछेंगे इनकी जमात क्या कहती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पनामा पेपर्स के ऊपर बहुत बहस जारी है, इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा है हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के दरमियान। एक दूसरे की तरफ कहा जाता है कि तेरा सरे महल है, वो कहते हैं कि आपके मेफरी अपार्टमेंट है, एक दूसरे को कहते हैं कि शौकत खानम का पैसा लगा दिया। लेकिन अमली तौर पर 3 सालों के अंदर नैब को मुस्तकम करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि फ़ौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया, फौज ने यह कहा कि ज़रब अज़ब की जो कामयाबियाँ हैं उसको देरपा नहीं बनाया जा सकता तब तक जब तक हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ना सिर्फ फौज ने सपोर्ट किया बल्कि ये भी कहा कि हम इसमें मीनिंगफुल एफर्ट जो भी होंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी जमात ने इस बयान को वेलकम किया है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है इस वक्त पनामा पेपर्स का है जिसमें रूलिंग एलीट के अलावा आपके टॉप बिजनेसमैन जो है उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम है, हो सकता है आपकी जमात के 4-6 बंदे अलीम खान के ऊपर रिपोर्ट छपी है और भी लोगों के नाम हो सकते हैं सामने आ जाए, तरीका कार क्या होना चाहिए? फौज को यह बयान जारी करना पड़ा, इसका मतलब है कि वो बहुत संजीदा है इस मामले में। करप्शन और टेरर फाइनेंस का लिंक कराची के अंदर जोड़ा गया था, वो बाकी जगहों पर भी जुड़ेगा। मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, इस बयान से लोगों को हौसला मिला है क्योंकि पाकिस्तान में एक मायूसी फैल गई थी और पाकिस्तान में लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि भाई यहाँ तो करप्शन है, ये निज़ाम का हिस्सा है, इसके अंदर रहते हुए आपको गुजारा करना पड़ेगा। और ये एक और एतराफ़ है कि हमारे जो करप्शन का तदारुक करने के लिए इदारे कायम किए गए थे वो डिलीवर नहीं कर रहे, हमने उनको सहूलतें दी, कानूनी ढांचा बना के दिया, लेकिन उनकी डिलीवरी जो है वो आपके सामने है। सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते रहे, विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे, लेकिन जो उनका बुनियादी मकसद था कि करप्शन पर हाथ डाला जाए वो अब वो हासिल नहीं कर पाए। अब इस बयान से एक हौसला मिला है कि आज हमारे जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इस नेक्सस को तोड़ना होगा, करप्ट एलिमेंट, टेरर फाइनेंस, यह सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसको हमें बड़ी गहराई से आगे बढ़ना होगा। और मैं सही और मेरी वेलकम कर रहे हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये काम करना चाहिए, लेकिन आप फौज की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों की अपनी
कोई पार्लियामेंटेरियन की सियासी लीडरान की जिम्मेदारी नहीं है? आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ अखलाकियात भी तो होती हैं। मलिक साहब, यकीनन ये बात पार्लियामान से उठनी चाहिए थी, ये सियासी हलकों से, सियासी हुकूमत से, इनसे उठनी चाहिए थी। और इस सारी गुफ्तगू को अगर हम पनामा पेपर्स के हवाले से जारी इस वक्त मुल्क के अंदर जो बहस है उसके तनाजुर में देखें तो उसके और मानी निकल आते हैं। तनाजुर तो वही है, कह रहे सर, और तनाजुर है लेकिन वो भी होगा। और उसके मैं उसको आइसोलेट नहीं करता, मैं समझता हूँ ये एक लार्जर इशू है। और आर्मी चीफ का ये बयान यही नहीं आया, उन्होंने गवादर में भी कोई ऐसा ही बयान दिया, आलमोस्ट यही था, उसको उन्होंने और एलबोरेट किया है। और इसको सजेशन लेना चाहिए, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी टू सपोर्ट टू एनी एक्सटेंट। किसको सपोर्ट करेंगे? गवर्नमेंट को करेंगे नेचुरली। अब गवर्नमेंट को देखना ये चाहिए कि आपको फौज का सरबराह कह रहा है, आपको चीफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी मोर और लेस इसी तरह की गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं, कई जगहों पर उन्होंने फरमाया है। पार्लियामान के अंदर अपोजिशन सारी ये चीख रही है, हुकूमत खुद कह रही है कि हम करप्शन ख़त्म करना हमारा मैंडेट है, लोड शेडिंग के बाद दूसरा बड़ा काम करप्शन फाइट करना है। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा कि जी हमें सबका, जितने भी कंपनियां, सिर्फ ये नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। वेरी गुड, मीडिया सारा इस पर शोर कर रहा है, मुल्क में एक डिबेट है, ये टाइम है। हुकूमत के पास एक मौका है कि इसको अपने ऊपर क्रिटिसिज्म ना ले, इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। जब सभी ये डिमांड कर रहे हैं तो ज़रूरत किस अमर की है? पाकिस्तान में जितने इदारे बने अकाउंटेबिलिटी के, उन इदारों ने मलिक साहब अल्टीमेटली विच हंटिंग जिस तरह कहा गया, और मुखालफों को दबाया गया, जमातें तोड़ी गई, अपने इकतदार को तूल दिया गया, और हम उसका कई जमातें और भी विक्टिम हुई। कुछ सर, वैसे आप लोग कसूरवार हैं, मुझे थोड़ी सी एक बात कर दीजिए, हम उसका सबसे बड़ा विक्टिम रहे, लेकिन मैं समझता हूँ मलिक साहब उसको छोड़िए, वो तल्ख तारीख, आज जरूरत किस अमर की है। हमने 5 साल पहले ये बात जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा इदारा जिस पे इत्तेफाक राय हो उसका भी एक फैसला हुआ था, लेकिन उस वक्त मियां साहब हमारे साथ एग्री नहीं किए थे और ये चीज़ उस वक्त रुक गई। हमारा ड्राफ्ट मौजूद है, आज भी मैं समझता हूँ इसका सिर्फ एक तरीका है। मलिक साहब, इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बातें बहुत दफ़ा हुई हैं, जज्बे बड़े अच्छे हैं, लोगों ने जज्बात की बातें इजहार जरूर किए हैं, मुख्तलिफ इदारों ने किए हैं, लेकिन जब तक आप पार्लियामान के अंदर इत्तेफाक राय से एक ऐसा निज़ाम खड़ा नहीं करते, आपकी नैब हो या एहतसाब कमीशन हो, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। अगर आप ये नहीं, एक मुझे आखिरी बात करने दीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सारी बात ये करें, जब तक हम वो नहीं करते, हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे कंसेंसस के साथ, सारी कौम और सारी जमातों उस पर मुत्तफिक हों। और दूसरी बात, उसमें फौज और अदलिया को भी ऑन बोर्ड करना चाहिए, एक इदारा खड़ा करे, हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। आप ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम पार्लियामान के जो मेंबरान हैं, हम हुकूमत को ये दावत देते हैं कि अगले इजलास में वो अगर समझते हैं कानूनी कमज़ोरियां हैं, अगर कानून को मजबूत करना है, इस्लाहात करनी है, कोई ढांचा चाहिए, कोई फैसिलिटीज चाहिए, वो अगले इजलास में जो अभी मई में होने वाला है उसमें वो पूरा एक प्रोग्राम लेकर आएँ। हम अपोजिशन की जमातें हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करेंगी। मैं ज़ुबैर साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि आइए आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे और मिलकर करप्शन का दादा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट है कि अगर हुकूमत लाती है उस निज़ाम की मजबूती के लिए इस्लाहात, तो के इंसाफ असेंबली में उसको सपोर्ट करेगी। जी हाँ, जुबैर साहब, सवाल क्या? आप बताइए, आप करने का इरादा क्या रखते हैं? एक तो हम बात कर रहे थे जनरल साहब के जो स्टेटमेंट के हवाले से, जिसकी वजह से ये बहस, और मेरा ख्याल है करप्शन तो एक ऐसा मसला है जो मेरे ख्याल है पूरी कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तनाजुर में देखना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम को एक दूसरा रुख भी दिखाने की ज़रूरत है कि करप्शन के कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स को भी ज़रा देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स फ्री ऑफ करप्शन पाकिस्तान, बट अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन की रिपोर्ट पढ़ें, हमारी नहीं, बर्लिन की रिपोर्ट पढ़ें, तो खत्ते में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है। और बेस्ट एवर, नॉट समथिंग के पाकिस्तानी कौम को प्राउड होना चाहिए, बट और उसके साथ ये भी है लिखा हुआ है कि हाई प्रोफाइल लेवल पर करप्शन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अब उन्होंने क्यों किया ये रिपोर्ट, ये एक फैक्टफुल चीज है।
हम ये नहीं कह रहे कि हमने फ्री कर दिया है। और इस पर बहुत, एक तो शाह साहब ने जो अभी कमेंट दिया बिल्कुल बहुत अच्छा है कि, और कायरा साहब ने भी कहा है कि पार्लियामेंट के थ्रू जनरल साहब के बयान पे आ जाएं, वो तो आपने अपनी शाबाशी ले ली। जनरल साहब ने बयान क्यों दिया, इसलिए दिया कि यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 3 साल आपके, 8 साल से आप उन केसेस पे बैठे हुए हैं जिसके ऊपर एक इंच पेशरफ नहीं किया। आर्मी के 8 साल भी कर लें उसको, 9 साल जनरल मुशर्रफ के, जनरल मुशर्रफ के। अच्छा, वो ऐसा ना चो करें कि ये सारा मसला जो है सारा एक बड़ा डेड आर्गुमेंट है नून लीग का। वो कहते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को टेक ओवर हो गया था तो जनरल मुशर्रफ ने क्यों प्रोसीड नहीं किया, और उसकी रीजन है कि एग्जाइल डील के बाद वो केसेस प्रोसीड नहीं किए। पहली बात तो ये, एग्जाइल डील जब आप कहते हैं तो वो एक शख्स की बात कर रहे हैं या दो शख्स की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर, मेरा आप इतने आराम से सुनते हैं सबको, हमारे भी जरा तमीज बांधने दे। जरदारी साहब इधर ही थे, जरदारी साहब पर केसेस थे, जेल के अंदर बंद थे, और आप फौज के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल शाहिद अजीज की किताब भी पढ़ लें और उनके इंटरव्यूज भी पढ़ लें कि कैसे जनरल मुशर्रफ ने उनको बुला के रुकवाया कि करप्शन के केसेस को रोका जाए। किस किस के खिलाफ? चौधरी, मुझे नहीं पता, एंड नदीम भाई, दैट्स नॉट व्हाट आई एम डिस्कसिंग। मैं ये सब कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, वो तो आप, वो एक अलग डिबेट निकल जाएगी किस किस के खिलाफ कहा था। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मैसेज क्या था, करप्शन पर आप हाथ रोक दें, ये मैसेज। फिर उसके बाद हमने देखा ये है कि, और मैं इसमें सिविल वर्सेस मिलिट्री नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज भी अगर पनामा लीक्स के हवाले से बात की जाए तो एक सारा जो ऐसे महसूस होता है कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सिर्फ करप्ट है इस मुल्क में, और अगर किसी के नाम आए तो आइडेंटिफाई, मेरा ख्याल है किसी भी मीडिया ने वो 250 दूसरे दोहराने की कोशिश भी नहीं की है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंटेरियंस की होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है टू कम क्लीन, एंड पॉलिटिकल क्लास की होती है। बट जब हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, तीसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, और उसको लिंक बिटवीन द दहशतगर्दी एंड करप्शन, इस पर मेरा पर्सनल व्यू है कि लिंक बहुत कम हो सकता है। हुकूमत का क्या मौकफ है, बयान देना चाहिए था? आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इस पर तो किसी को एतराज नहीं है, और आईन और कानून क्या कहते हैं, किसको क्या राइट्स दिए हुए, वो देखना चाहिए। शाह साहब वो कह रहे हैं कि आईएसपीआर को ये बयान, फौज के चीफ का ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जब हुकूमत वक्त कुछ ना कर रही हो, हाथ पे हाथ धरे बैठी हो और एक मसला जो है कैंसर की तरह मुल्क को चाट रहा हो तो बयान ना दें तो क्या करें, इनका मुंह चूमें? देखिए खुदारा, आप जागे मुल्क के सामने, लोगों के सामने आज जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। कौन नहीं जानता कि हमारे माशरे के क्या हालात है, कौन नहीं जानता हमारा कौन सा इदारा है जो करप्शन से पाक है। आज हम शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके अपना रियलिटी से छुपना चाहें तो और बात है, हकीकत उसके बरअक्स है। हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान में एक आम शहरी बगैर रिश्वत के, बगैर करप्शन के, ना मुलाजमत हासिल कर सकता है, ना कोई अपनी कोई सहूलत पा तो सकता आइन है। की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं ना, ये बन गया है कि अगर आइन की हुक्मरानी तजावज करने की जरूरत है, जो 4 मार्शल लॉज लगे थे वो किस लिए लगे थे? स्पेस किसी ने क्रिएट की थी ना, वैक्यूम क्रिएट किया था। ये तो इससे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा कि 4 मार्शल लॉज क्यों, स्पेस थी, वैक्यूम था, लेकिन इस पे बहस ही नहीं हो रही। 1958 में पॉलिटिकल जो भी थे, 69 में, 71 77 में, 12 अक्टूबर में, मैं कह रहा हूं कि ये जस्टिफाई किया गया था कि बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम, और उस वैक्यूम की वजह से आर्मी हैड टू स्टॉप इन स्टेप इन। बट आज हम जो भी हिस्टोरियन आप पूछ लें, जो भी हिस्टोरियन पूछ लें, आज जब मुल्क के देखते एक मार्शल लॉ, और हम कर नहीं सकते क्योंकि आईन से तजावुज, चाहे 58 का था, चाहे 77 का था या 99 का था, इट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक चीज इस मुल्क को तय करनी पड़ेगी, मार्शल लॉ इस मुल्क के मसलों का हल नहीं है, लेकिन अगर पोलिटिकल क्लास कायरा साहब ये कहे
कि 5 साल बाद वोट से एहतसाब हो जाएगा, तो 5 साल जो मर्जी, आपने भी कहा था कि वोट से वोट आउट हो जाएंगे, तो वोट आउट तो आप हो गए, लेकिन 5 साल आपने अकाउंटेबिलिटी पे कुछ किया नहीं। फिर आप वो स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें किसी आर्मी चीफ को ये बयान देना पड़ता है। थोड़ी सी मिस्टेक्स हमें मान के सलाह करनी चाहिए। अगर मलिक साहब क्या कहा, मैंने एग्री किया आपसे कि हमारे दौर में इस पर हमने कोशिश की, लेकिन जितना कंसेंसस हम कर सके हमने उस आईनी और कानूनी ढांचे को दुरुस्त किया। ये हमारा बिल मौजूद है, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, उस वक्त मियाँ साहब ने हमारा साथ नहीं दिया। आज मेरे भाई जुबैर जो कह रहे हैं ना, मैंने ये बातें, अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो मैं भी यही बातें कहता था कि जी फलाँ इदारे को ये नहीं करना चाहिए, चीफ जस्टिस को ये नहीं करना चाहिए, ये पार्लियामान का अख्तियार है, फौज के सरबराह को ये नहीं करना चाहिए, ये पार्लियामान का अख्तियार है। और उस वक्त मुस्लिम लीग बशमूल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनके जरा बयान निकालिए और उनका वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में जाना दिखाइए कौम को कि वो क्या करने गए थे, वो कौन सा रास्ता अख्तियार किया था, जिसके एफिडेविट किन किन ने दिए थे, उसको एक लंबी तलख बात है, उसको छोड़ दीजिए। कहरे साहब, दो अकाउंटेबिलिटी केसेस में मियां साहब बरी हुए अपनी इसी हुकूमत में, और उनमें से एक जज वो है एसेट्स केस में इनको बरी करने वाला, जिसका अपनी ऑफशोर कंपनी है। सर देखिए ना, गुजारिश है, हद हो गई, मैं यही कहने लगा था कि है अगर सियासतदानों के हैं तो जिस जिस सियासतदान का सबका नाम आना चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का खानदान का नहीं, जिस जज का नाम आया है, चीफ जस्टिस साहब आप इदारे के सरबराह हैं, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ आपने अगर कोई इंक्वायरी की है या उनको कोई अकाउंटेबल बनाया है तो वो भी कौम के सामने रखिए। और अगर फौज के सरबराह के की भी जिम्मेदारी, अगर किसी फौजी का, सबका फौजी का भी है, तो वो भी लेके आए। और हुकूमत वक्त की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन सियासतदानों के अलावा जिन कारोबारी लोगों के हैं उनका भी अकाउंटेबल। मलिक साहब ये बात तयशुदा है, एक और याद रखिए, मैंने कहा आप शायद मलिक रियाज का नाम लेने लगे, आपने मुझे उनको भी जी। मुझे तो नदीम कह रहे हैं, खाली मलिक रियाज साहब, नदीम साहब, नदीम मलिक, असल में मलिक साहब कह के आदि हो गए। मलिक साहब एक गुजारिश सुनिए, एक बात, इनकी जमात भी और आपकी जमात भी एक कौम के सामने हल्फ उठाए क्या? मैं उस पर हल्फ पे आ जाता हूं, मलिक रियाज से दूर रहेंगे, हमें ऐसा भी करना चाहिए। लेकिन एक बात और जरूर सुन लीजिए, इस वक्त मैं बड़े दावे से, तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ, मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, ये दावे बहुत हुए, जज्बात बहुत थे, मीडिया में डिबेट बहुत हुई, लेकिन आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में और इस जो हमारा कानूनी ढांचा है, इसके तहत अकाउंटेबिलिटी हुक्मरान तबका, वो सियासतदान होंगे, वो कारोबारी होंगे, वो जज जर्नैलों का, ये सबका एक है पूरा, और जो मीडिया वाले होंगे, हुक्मरान तबका अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होने देगा, आपको नहीं होने देगा। मैं कह रहा हूं नहीं होने। ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापसी में पूछते हैं जवाब इसके। वेलकम बैक। शाह महमूद कुरैशी साहब, मामला इल्जाम तराशी तक ही रहेगा, बहस मुबासे में रहेगा, या हम पनामा के ऊपर कोई पेशरफ देखेंगे? बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम सिर्फ इल्जाम आयद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इल्जामात से हासिल कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। हुकूमत को चाहिए, ऑपोजिशन की जमातों ने आपस में मशावरत कर ली है और हम तकरीबन एक पेज पे अब नजर आ रहे हैं। सब ने हुकूमत का जो एक तजवीज़ करदा प्लान था उसको मुस्तरद कर दिया है और आज तक तकरीबन सभी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में और इंटरनेशनल फर्म जो फोरेंसिक ऑडिट की महारत रखती है उसको साथ उसके साथ मिलाकर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुकूमत ने बिल आखिर अब रबतों का सिलसिला शुरू किया है, देखें वो क्या प्रपोज करते हैं, लेकिन ये बात रुकेगी नहीं, अब इसको आगे आपसे मुशावरत हुई है और आपसे मुशावरत हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब, डार साहब ने आपसे बात की है? जी अभी तक नहीं की, हमसे वो जरा घबरा रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारा जरा पोजीशन बड़ी जंगी तीन पोजीशन है, तो वो रब्ता कायम हुआ था आज मीटिंग होनी थी शाम को 6 बजे। कल थे नहीं इस्लामाबाद में, उनसे कांटेक्ट हुआ था अभी मैंने शाम में डार साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि 2-3 रोज में हम पॉलिटिकल कंसल्टेशन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हतमी शक्ल देंगे। अभी मैंने शाम में उनसे ये बात पूछी। कायरा साहब, एक इशू है जिसके ऊपर आपकी जमात की पोजीशन कदरे मुख्तलिफ थी पीटीआई से, कल एमक्यूएम ने वैसे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन वसीम अख्तर साहब ने कहा कि हमें भी हमारी भी डिमांड वही है, आप यही चाहते हैं कि वो लीड करें और साथ फोरेंसिक ऑडिटर आ गया? जब पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा आया, हमने पहले सिर्फ फोरेंसिक ऑडिट का जिक्र किया था, जब पीटीआई की तरफ से ये बात आई
कि कमीशन हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, तो हमने कहा बिस्मिल्लाह हमें कोई एतराज नहीं है, बट कहा गया जी चीफ जस्टिस अब नहीं मान रहे, उन्होंने कुछ थोड़े से तहफ़ुज़ात का इजहार किया, तो फिर हमारा ये था कि अगर वो नहीं मानते तो फिर जुड़े जो पार्लियामेंट्री कमीशन है उस पर इख्तलाफ कोई नहीं था, अगर लेकिन मलिक साहब रिक्वेस्ट करेगी तो वो मान नहीं, वो इनकार नहीं कर सकते, मुझे भी इस बात का अंदाजा है। लेकिन एक बात मलिक साहब याद रखिए, डार साहब या हुकूमत, इनको तो पूरा पता है ना हालात क्या है। इस वक्त तक जितने शवाहिद सामने आ चुके हैं, क्या हुकूमत अपने गले का फंदा खुद तैयार करके अपने गले में डाल ले? आपको लगता नहीं करेगी? बिल्कुल 100% आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि इस मामले को डिले किया जाए और फिर कोई बिनाइन सा ऐसा कोई हालात हो जाए। मेरा ख्याल है ये उसी किस्म का इल्जाम है जो 2013 के इलेक्शन के हवाले से हमारे ऊपर लगाया जाता था कि ये फंदा अपने ऊपर क्यों डालेंगे, और जुडिशियल कमीशन सारी कौम ने देखा कि कंसेंसस के साथ बना, उसके टीओआर कंसेंसस के साथ तय हुए, एमओयू साइन हुआ, उसमें पोस्ट डिसीशन भी ये तय हुआ कि क्या क्या होगा। प्रोग्राम क्लोज करने का कह रहे हैं, इन नहीं हिस्ट्री में नहीं जाइए, इन प्रिंसिपल आपको इस पे इतराज तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उस कमीशन की सरब्राई? देखिए हमें हम सबको सेटिस्फाई करेंगे और फिर आगे चलेंगे, सबको सेटिस्फाई कर लेंगे पार्लियामेंट में, ये हमारा वादा है। मेरा ख्याल है जो इलेक्शन वाला देश आपने खुद कहा कि डार साहब ने कहा, इलेक्शन वाला दिन का मामला है, मेरा ख्याल है कौम को हम मुतमईन करेंगे। और एक और इलेक्शन वाला मामला इतना तूल पकड़ा था कि अल्टीमेटली आज के प्रोग्राम से गलती हुई थी। खुदा।